6.5 प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। जैसा कि हमने पढ़ा है कि विद्युत धारा के प्रवाह के लिए एक पूर्ण परिपथ की आवश्यकता होती है, जिसमें बहुत सारे विद्युत घटक उपस्थित होते हैं, जैसे प्रतिरोधक, विद्युत बल्ब, सेल, संयुजी तारें आदि। जब किसी परिपथ में विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए एक से अधिक प्रतिरोध का इस्तेमाल किया जाता है, तब प्रतिरोधों को परिपथ में दो प्रकार से संयोजित किया जा सकता है। पहला, श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा, समानांतर क्रम संयोजन। 6.5.1 श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन। जब किसी विद्युत परिपथ में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं, तो ऐसे संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इस क्रम को हम आवश्यकता अनुसार बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार पहले प्रतिरोध के पहले सिरे एवं अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे के मध्य आवश्यकता अनुसार सेल, स्विच एवं धारा मापी जोड़ देते हैं। दिए गए चित्र में तीन प्रतिरोध R1, R2 व R3 श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। यदि कोई अकेला प्रतिरोध इन सभी प्रतिरोधों के संयोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित कर दे कि परिपथ में धारा का मान अपरिवर्तित रहे, तो इस अकेले प्रतिरोध को तुल्य अथवा परिणामी प्रतिरोध कहते हैं। यदि दर्शाए चित्र 7 में विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा आई है, तो समान विद्युत धारा आई प्रत्येक प्रतिरोध में से प्रवाहित होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में प्रत्येक बिंदुओं के बीच का विभवांतर अलग अलग होता है, इसलिए प्रत्येक प्रतिरोध जो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं उनका विभवांतर भी अलग अलग होगा। यदि प्रतिरोध R1 का विभवांतर V1 है, प्रतिरोध R2 का विभवांतर V2 है, प्रतिरोध R3 का विभवांतर V3 है, तो ओम के नियम के अनुसार V = IR, अतः V1 = IR1, V2 = IR2, V3 = IR3। समीकरण 1। परंतु श्रेणी क्रम में कुल विभवांतर प्रत्येक प्रतिरोध के विभवांतर का जोड़ होता है, यानी कि V = V1 + V2 + V3। समीकरण 2। ऊपर दिए गए समीकरणों 1 और 2 द्वारा IR = IR1 + IR2 + IR3, R = R1 + R2 + R3, अर्थात श्रेणी क्रम में जुड़े दो या उससे अधिक प्रतिरोधों का परिणामी प्रतिरोध उनका योग होता है। श्रेणी क्रम में लगे प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध R = R1 + R2 + R3 होता है। श्रेणी क्रम परिपथ से एक प्रमुख हानि यह होती है कि जब परिपथ का एक अवयव कार्य करना बंद कर देता है, तो परिपथ टूट जाता है और परिपथ का अन्य कोई अवयव भी कार्य नहीं कर पाता। इसी प्रकार वोल्ट मीटर व अमीटर का भी प्रतिरोध होता है। अमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, इसलिए उसे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है ताकि उसमें से अधिकतम धारा प्रवाहित हो, जबकि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होने के कारण उसे समानांतर क्रम में संयोजित किया जाता है ताकि कम धारा उसमें से प्रवाहित हो। 6.5.2 समानांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब किसी विद्युत परिपथ में सभी प्रतिरोधों के पहले सिरों को एक बिंदु और दूसरे सिरों को दूसरे बिंदु पर जोड़ा जाता है, तो यह संयोजन समानांतर संयोजन कहलाता है। इस क्रम को हम आवश्यकता अनुसार बढ़ा सकते हैं। यहाँ चित्र 8 में तीन प्रतिरोधों R1, R2 तथा R3 को समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। संयोजन में बैटरी, स्विच एवं अमीटर भी जोड़ा गया है। प्रत्येक प्रतिरोधों में समान विभवांतर V है, लेकिन प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाह होने वाली विद्युत धारा अलग अलग होगी। यदि R1, R2 तथा R3 में क्रमशः
I1, I2 एवं I3 धारा प्रवाहित हो तो ओम के नियम के अनुसार प्रतिरोध R1, R2 व R3 में बहने वाली धारा I1 बराबर V बटे R1, I2 बराबर V बटे R2, I3 बराबर V बटे R3। सभी प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध R हो तो I बराबर V बटे R, किंतु I बराबर I1 धन I2 धन I3। समानांतर संयोजित श्रेणी क्रम में कुल विद्युत धारा का मान प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा के योग के बराबर होता है। ऊपर दिए गए समीकरण द्वारा V बटे R बराबर V बटे R1 धन V बटे R2 धन V बटे R3। तुल्य प्रतिरोध 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 धन 1 बटे R2 धन 1 बटे R3। जैसा कि आपने देखा, श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध सबसे अधिकतम प्रतिरोध से भी अधिक होता है, लेकिन समानांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध संयोजन के न्यूनतम प्रतिरोध से भी कम होता है।